हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मॉर्निंग में ना अम्मू को मैं शहद दे रही हूँ, ये सोकर उठ गया था और क्योंकि ना इसको खांसी हो रखी है तो इसीलिए जो है मैं मॉर्निंग में इसको शहद दे रही हूँ। और आज मेरा EMRS का रिविज़न का डे थर्ड है। मैं अपने EMRS के लिए जो है मेरा एग्ज़ाम है 23 दिसंबर का जो है मेरा एग्ज़ाम है और उसके लिए जो है मैं रिविज़न मैंने स्टार्ट कर दी है और आज डे 3 है उस रिवीजन का। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो पूरा रूटीन कि किस तरीके से मैंने आज कौन सा टॉपिक जो है रिवाइज किया। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग का टाइम था तो मैं सबसे पहले जो है आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर जो है खाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का लंच पैक करूँगी और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और साइड बाय साइड अम्मू भी मेरे साथ है तो उसको भी जो है थोड़ी देर संभालना है ही, क्योंकि ये तो साथ में ही बैठा होता है इस टाइम पर। अब ये देखो यहाँ पर मैं जो है टमाटर जो है इनकी प्योरी बना रही थी तो ये जो है ये बोला कि मम्मा मैं खुद बनाऊँगा इसको, मैं इसको ग्राइंड करूँगा। स्टार्टिंग में क्या होता था, ये ना डरता था जब मैं इसको मिक्सी को ऑन करती थी, लेकिन अब जो है ये इतना ज़्यादा फ्रैंक हो गया है साथ बैठ बैठ कर, तो जो है ये काफ़ी जो है हैप्पी रहता है। तो आज मैं जो है गोभी की आप कह सकते हो एज सच कि मैं जो है गोभी की भुजी बना रही हूँ एक तरीके से। तो मैं इसको जो है अच्छे से जो है पहले ग्राइंड करूँगी और टाइम सेव करते हुए मैंने क्या किया है, पहले ही जो है प्याज वगैरह कट कर लिए थे। प्याज और टमाटो की प्यूरी मैंने पहले बनाई थी और अब मैंने बाद में गोभी को जो है ग्राइंड करना शुरू किया। इतने मेरे प्याज टमाटर जो हैं वो पूरी तरीके से बनेंगे, इतने मेरी जो गोभी है उसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इसकी भी जो है इसको जो है उसमें डाल दूंगी ताकि मेरा जो टाइम है वो इजीली सेव हो सके। मॉर्निंग में ना एक एक मिनट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर जो है देखो मेरी ये जो है प्यूरी बनके तैयार हो गई है और साइड बाय साइड जो मेरी ग्राइंडिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अब जो है यहाँ पर तो मैंने एक साइड जो है सब्जी बनाने के लिए रख दी है और दूसरी साइड में जो अपनी रोटियां हैं उनको बना रही हूँ। मैं ना मॉर्निंग में ऐसे ही सोचती हूँ फटाफट जो है काम करूँ, तो मेरा जो है ये ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार। तो यहाँ पर अम्मू जो है जा रहा है अपने मामा के घर पर क्योंकि एक तो इसका इसका ऑफ है, आज सैटरडे संडे ऑफ होता है इसका, तो इस वजह से जो है थोड़ी देर खेल आएगा और कुछ फिर जो है मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी। तो उसके बाद फिर जो है मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई करी यहाँ पर, डस्टिंग करी और उसके बाद जो है क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि आज मैं भी लेट उठी थी तो मॉर्निंग में नहीं हो पाया था, तो इसीलिए फिर जो है अभी मैंने जो है यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह करी अम्मू को भेजकर। अगर अम्मू होता तो खैर नहीं हो पाती ये सब चीज़ें, क्योंकि फिर तो पूरा कंसर्न उसी को देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मेरी क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई थी, मैं अच्छे से वॉश हो गया था और यहाँ से भी मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा दी थी, बस पोछा लगाना रहता था, तो इसकी भी मैंने जो है ये भी लगा लिया साइड बाय साइड साथ साथ, क्योंकि उसके बाद फिर जो है मैं अपना सारा जो है ये कंप्लीट करके और फिर जो है आराम से पढ़ने बैठ जाऊंगी, क्योंकि उसमें फिर जो है मुझे डिस्टरबेंस नहीं रहेगी नहा धो के आराम से। तो इस वजह से जितना भी मेरा क्लीनिंग डस्टिंग का काम होता है वो मैं मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया था बिल्कुल अच्छे से, ये आप देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा हो चुका है। और बाहर से भी मैंने जो है वॉश कर दिया था, फिर मैंने जो है बाथ लिया और फिर अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया आज। सबसे पहले मैं जो है बायोलॉजी कर रही हूँ यहाँ पर, और बायोलॉजी में मैंने जो है जो टॉपिक आज उठाया है वो है मेरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो बचे हुए टॉपिक्स थे जो लास्ट में रह गए थे वो सब जो है मैंने कंप्लीट करे। उसके बाद जो है टाइम हो चुका था अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के आसपास, तो यहाँ पर जो है बायोलॉजी जब मैंने कंप्लीट करी, ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरी कंप्लीट हो गई आज और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी मैंने रिवाइज कर लिया। अब जो है आज मैं टॉपिक जो स्टार्ट करूँगी यहाँ पर वो करूँगी एडजेक्टिव का। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि ये जो है सिलेबस में नहीं है एडजेक्टिव, मुझे पता है एडजेक्टिव लिख नहीं रखा सिलेबस में, लेकिन अगर आप सिलेबस अच्छे से चेक करोगे तो उसमें ग्रामर लिख रखा है और ग्रामर में ना सब कुछ आता है। और ऐसे एग्जाम्स में ना हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग जो है इन टॉपिक्स को छोड़ दें जो बिल्कुल ही मतलब इम्पॉर्टेंट लगा लो आप, जो ये होते हैं जैसे फिगर ऑफ स्पीच जो होती हैं ये सब हमें करने ही होते हैं क्योंकि क्वेश्चन ना आ जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं एडजेक्टिव करूँगी, उसके बाद एडवर्ब करूँगी, आज नहीं करूँगी एडवर्ब, नेक्स्ट कल जो है उसको करूँगी। दूसरी बात, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है एक दूसरे से ना कोरिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि
एक टॉपिक छोड़ दिया क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, तो ग्रामर जो है काफ़ी कोरिलेटेड होती है। और ऊपर से जो है मैंने थर्ड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ले रखी है, तो उसमें भी फिर ये चीज़ है। तो इस वजह से मुझे जो है इसको अच्छे से कम्प्लीट ही करना था। तो ये सब करने के बाद मेरा जो इंग्लिश है, उसके बाद फिर जो मैंने अगला टॉपिक उठाया वो कंप्यूटर का मैं जो है करूँगी। कंप्यूटर आज मैं आईसीटी में, आपको पता है 10 नंबर की आईसीटी आने वाली है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है 10 नंबर, क्योंकि एक तरीके से जितने मार्क्स की बाकी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो जनरल पेपर है उतने का ही कंप्यूटर आ रहा है, तो उतना ही जो है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो भी हमें जो है करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हुआ उसके बाद जो है थोड़ी देर मैंने जो है रेस्ट किया। रेस्ट इन द सेंस बस ये होता है कि मैं एक दो सॉन्ग सुन लेती हूँ या तो, या फिर थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ, या फिर जो है छोटा मोटा कोई काम होता है तो वो कर लेती हूँ जो 5-10 मिनट का हो। जैसे मान लो कुछ बर्तन पड़े हैं तो उनको वॉश कर लिया, या फिर जो है पौधों को पानी दे दिया, ये सब। तो ये देखो कंप्यूटर में मैं जो आज टॉपिक कर रही हूँ वो मैं नेटवर्क का मैंने स्टार्ट किया था, और नेटवर्क में जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था मेरा नेटवर्क का। लेकिन उसमें जो है नेटवर्किंग के में ही आगे जो है आज मुझे एक तो ईमेल करना है, ईमेल भी मैं इसमें करूँगी, और दूसरा जो मुझे करना है वो मैं इंटरनेट को जो है कंप्लीट करूँगी आज, इंटरनेट के बारे में। अब ऐसे तो नेटवर्किंग का भी इतना कुछ दे नहीं रखा है उसमें, लेकिन फिर भी जो है कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट वगैरह का हमें करना ही चाहिए। ये जो है आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन इस पर ज़्यादा बनते हैं, तो इसको जो है कंप्लीट किया मैंने। तो यहाँ पर मेरी आईसीटी कंप्लीट हो गई थी, फिर मेरा जो है लंच का टाइम हो गया, मैंने लंच किया अपना, और उसके बाद फिर जो है मैंने अगला टॉपिक उठाया जीके का। अब जीके में मैं जो है ज्योग्राफी ही कर रही हूँ। मैंने जो है माउंटेन्स, रिवर्स और नेशनल पार्क्स लास्ट क्लास में की, मतलब क्लास तो नहीं, मतलब मेरी क्लास में किए थे मैंने। तो आज जो है आज जो है मैंने उठाए हैं वो टॉपिक्स हैं मेरे, जैसे मैंने स्ट्राइड्स किए हैं और डैम्स के बारे में किया था, और जो है पोर्ट्स वगैरह के बारे में कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, जैसे कांडला पोर्ट और ये सब। तो ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स थे ये सब। उसके अलावा जो है मैंने विंड्स के बारे में किया था, परमानेंट और टेम्प्रेरी विंड्स वगैरह जो होती हैं उनके बारे में किया था, मॉनसून के बारे में पढ़ा था। तो ये सब जो है मैंने आज जो है कंप्लीट किया था, इतना ही जो है हो पाया मेरे से आज। और आई थिंक ठीक है मेरा ज्योग्राफी, अभी मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन मुझे शायद और लगेंगे, मेरा जो है ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगा। अब जो है टाइम हो चुका था 2:30-3 का, तो अब जो है मैंने हिंदी की है यहाँ पर, और हिंदी में मैं आज पर्यायवाची शब्द कर रही हूँ। पर्यायवाची शब्द की वैसे मैंने जो है पहले तो प्रैक्टिस के लिए वीडियोज़ ही की थी, अब जो है बाद में फिर मैंने कुछ जो मेरे जैसे ना पर्यायवाची होते हैं उनको मैं ना लिख लेती हूँ कॉपी में। जैसे बहुत सारे कोरिलेटेड होते हैं, जैसे भुजंग है तो भुजंग जो है वो सांप का भी होता है, इस तरीके से तरंग है, मतलब थोड़े थोड़े कोरिलेटेड से होते हैं, तो वो सब जो है ना मैं लिख लेती हूँ जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद जो है टाइम हो चुका था, 5 बज चुके थे, तो इसके बाद फिर जो है हम लोग थोड़ी देर बाहर चले गए। मुझे ना किसी के लिए ऐसे ही चप्पल लेनी थी, जूतियाँ लेनी थी, तो फिर जो है मैं वैसे ही ख़रीदने चली गई वहाँ पर मार्केट में। अपने लिए तो नहीं लेना था, लेकिन किसी ने बोला था तो उसके लिए जो है मुझे जो है यहाँ पर ख़रीदारी करनी थी थोड़ी सी। तो थोड़ी देर जो है हमारा मूड भी फ्रेश हो गया, बाहर हम लोग घूमने आ गए। उसके बाद हमें जो है किसी काम से बाहर जाना था, तो फिर ये लेने के बाद पहले हमने इनको हैंडओवर किया, उसके बाद फिर हम लोग जो है किसी काम से जो है बाहर आ गए। तो एक अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव होगी, ऊपर से आज सैटरडे भी था, तो फिर इस वजह से काम भी हो गया और जो है अच्छे से हमारी लॉन्ग ड्राइव भी होगी। उसके बाद घर आके फिर मैंने खाना पीना बनाया, और फिर जो मैंने अगला टॉपिक स्टार्ट किया अपना वो जो था मेरा, मैंने जो है जीके जो है थोड़ा सा छोड़ दिया था बीच में, तो उसको जो है कंप्लीट किया पहले तो मैंने। उसके बाद जो है मैंने प्रैक्टिस करी, इंग्लिश की प्रैक्टिस करी, इडियम फ्रेजेस की करी, और जो है टीचिंग पेडागोजी जो है उसको कंप्लीट किया। टीचिंग पेडागोजी मेरी रह गई थी, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आज मैंने डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एडोलसेंट, इनके बारे में जो है स्टडी किया था। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब